हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ एकेडमी। सो देखो बच्चों, आप सभी में से जो भी स्टूडेंट आईपीयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एक बार फिर से आईपीयू ने अपने रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो बच्चों, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन सब कुछ कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब देखो, मैंने ऑलरेडी दो वीडियो में काफी बातें को डिटेल में बताया है, सो मैं डायरेक्टली जो है वो शेड्यूल को बता देता हूँ, जल्दी से खींचना नहीं है। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बताऊंगा, क्या चॉइस को लॉक करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, नहीं लॉक करोगे तो क्या होगा, ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। So, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन बच्चों, सभी से पहले आप में से जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि बच्चों अभी से लेकर के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग ए टू जेड वीडियो मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आईपीयू के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो स्टेप को फॉलो करना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले वाला वीडियो देख लेना, एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। इसका अमाउंट है 1500 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद 1500 रुपीज का पे करते हो। ये करने के बाद बच्चों आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी पे करना होता है। काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी है आपका 1000 रुपीज, ठीक है। ये दोनों स्टेप कर लेते हो, यानी कि 2500 रुपीज का आप लोग पेमेंट कर लेते हो। ये करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों, इसके बाद आपके पोर्टल में चॉइस लिंक का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। सो बच्चों, वैसे तो आईपीयू का रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट था 5th ऑफ जून, यानी कि बच्चों कल का, ठीक है ना, 5th ऑफ जून 2023 के रात के 11:50 PM तक का, ठीक है बच्चों। लेकिन स्टूडेंट, इसको एक्सटेंड करके अब कर दिया है 7th ऑफ जून, यानी कि बच्चों टुमारो, इट मींस कि कल के रात के 11:50 PM तक का, ठीक है। बाकी बच्चों, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ, आईपीयू ने दो बार जो है वो डेट को एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन बच्चों ये सोच करके मत चलना फिर से डेट को एक्सटेंड करेंगे, ये मत करना, रजिस्ट्रेशन कर लो, काफी बेटर रहेगा। वैसे हाँ, आईपीयू ये बार बार करता है, क्योंकि आईपीयू जो है वो जैक दली को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ये रीजन है। लेकिन बच्चों ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, सो ध्यान से कर लेना। ये दोनों प्रोसेस आप लोग कर सकते हो 7th ऑफ जून के रात के 11:50 PM तक का, ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, चॉइस लिंक के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो बच्चों, चॉइस लिंक के डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। चॉइस लिंक का डेट अभी भी लास्ट है 8 ऑफ जून के रात के 11:50 PM तक का, ठीक है। सो ध्यान से चॉइस लिंक कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, यहीं पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि चॉइस लिंक करने के बाद क्या चॉइस लॉकिंग इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोग चॉइस लॉक नहीं करते हो तब भी उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बच्चों आपकी चॉइस को ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने चॉइस लिंक कर लिया है, आप लोग अपने चॉइस लिंक से फुली सेटिस्फाई हो गए हो, तो उस केस ध्यान से लॉक कर लेना। लॉक कैसे करोगे, लॉगिंग करोगे, पोर्टल में ही आपके लॉक चॉइस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, पासवर्ड डालोगे और आपका चॉइस लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान से कर लेना, और अभी टाइम है तो क्यों रिस्क लेना, है ना, ये चीज है। वैसे मैंडेटरी नहीं होता है, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और बच्चों, एक और बात भी है कि आईपीयू के काउंसलिंग में हर एक राउंड में ही आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लिंक का मौका मिलता है। लेकिन अगेन से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि राउंड वन से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, उस केस में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। और देखो बच्चों, अभी जो आप लोग अपने चॉइस को लॉक करोगे, ये आपका सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। आप लोग सेकंड राउंड में अपने चॉइस में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया है। बाकी बच्चों, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट था 8 ऑफ जून के रात के 11:50 PM तक का, लेकिन बच्चों अब इसको एक्सटेंड करके 11th ऑफ जून के रात के 11:50 PM तक का कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो यही है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, पैनिक मत करो, वेरीफाई हो जाएगा। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये समझा रखा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी आ गया है तो उसे कैसे रिमूव करोगे, साथ में आईपीयू के काउंसलिंग में किस रैंक तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। सो उस वीडियो को देख लेना। और देखो बच्चों, अगर आपको हमसे पर्सनल हेल्प चाहिए, सो बच्चों उस केस में हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे, वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको
पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। एक बार बाय करने के बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे अभी से लेकर के जब तक कि आपका फाइनल एडमिशन नहीं होगा, सारा प्रोसेस हमारे टीम मेंबर कर रहे होंगे, आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करेंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। और बच्चों ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में ही दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये प्राइस बहुत जल्द ही बढ़ने वाला है, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग सिर्फ आईपीओ का बाय करोगे उस केस में 59 रुपीज लगेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग आईपीओ के साथ जैक डेली बाय करते हो, इट मीन आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो, उस केस में और भी कम प्राइस में आपका हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सो यही है कि अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है और भी कम प्राइस में हो जाता है, ठीक है ना। जितने भी आप लोगों ने काउंसलिंग का नाम सुने हो सभी यहाँ पे करवाया जाता है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग सिर्फ आईपीओ का बाय कर सकते हो या फिर मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट भी बाय कर सकते हो, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी चीजें आते रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आईपीओ में क्या चल रहा है और ये चीज होता रहेगा आगे भी, पैनिक मत करना, पेशेंस बना करके रखो, एक लंबा जर्नी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।